Hello everyone, I'm Somdhaya. Once again, I'm here with a video. So you know everyone that I have started the question set. तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने कवर किए हैं जो कि आपके इंटरव्यू में या फिर न्यू एडमिशन में या फिर किसी अननोन बंदे से आप मिलते हो तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं. तो अब मुझे आशा ही नहीं, पूरा विश्वास है कि आपने वो क्वेश्चंस गो थ्रू कर लिए होंगे. तो चलिए उसी क्वेश्चंस की सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं आपके लिए. तो उन क्वेश्चंस को और पढ़ लेते हैं, उनको याद कर लेते हैं और आप इनको डेली बेसिस पे अपने किसी भाई बहन के साथ या फिर अपने किसी फ्रेंड के साथ या मम्मी पापा पेरेंट्स किसी के साथ भी आप यूज़ करना चाहते हैं तो उनके साथ प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आप इनको इन क्वेश्चन से फैमिलियर हो जाएं. तो चलिए आज की वीडियो शुरू कर लेते हैं. सो फर्स्ट क्वेश्चन है, जब हम क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर कई बार पूछती है कि क्या आपको बोर्ड दिख रहा है. सो इज बोर्ड विजिबल टू यू, ठीक है, क्या यह आपकी नोटबुक है. तो हम इसे कहेंगे इज दिस योर नोटबुक, इज दिस योर नोटबुक. आप कौन से पद पर हैं, जैसे किसी से कई बार मिलते हैं तो वो बोलता है कि मैं रेलवे में हूँ, मैं उसमें हूँ. तो हम उससे पूछते हैं कि आपके कौन से पोस्ट पर हैं. सो व्हाट इज़ योर पोस्ट और व्हाट इज़ योर डेजिग्नेशन, ठीक है. और दूसरी तरह से आप इसे कह सकते हो व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड, व्हाट पोस्ट डू यू होल्ड, ठीक है. वह कौन सा पक्षी है, व्हाट बर्ड इज़ दैट, व्हाट बर्ड इज़ दैट. उसकी हाइट कितनी है या उसकी कितनी हाइट है, व्हाट इज़ हर हाइट, ठीक है. और आपकी कितनी हाइट है, व्हाट इज़ योर हाइट, ठीक है. सो आपकी क्या उम्र है, सो व्हाट इज़ योर एज, ठीक है. वह कैसी दिखती है, व्हाट डज सी लुक लाइक, व्हाट डज सी लुक लाइक. एग्ज़ाम कैसा था, तो व्हाट वॉज द एग्जामिनेशन लाइक, व्हाट वॉज द एग्जामिनेशन लाइक. मौसम कैसा है, सो व्हाट इज़ द वेदर लाइक, व्हाट इज़ द वेदर लाइक. इस पेन की कितनी कीमत है या फिर इस पेन की क्या कीमत है, सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस पेन, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस पेन. आप क्या कहते हो, जैसे कई बार हम किसी से ओपिनियन लेते हैं कि हम हमें कल सुबह निकलना चाहिए, कहीं भी प्लान कर रहे हो, आप कहीं भी प्लान कर रहे हो कहीं भी जाने के लिए, तो आई थिंक ना सुबह 5 बजे चलना बेटर रहेगा. तो आप क्या कहते हो, मतलब किसी से ओपिनियन लेते हैं तब इस तरह का क्वेश्चन बोलते हैं. व्हाट डू यू से, आप क्या कहते हो, व्हाट डू यू थिंक, आपको क्या लगता है, ठीक है. नेक्स्ट, आपको झूठ बोलकर क्या मिलता है, व्हाट डू यू गेन बाई लाइंग, व्हाट डू यू गेन बाई लाइंग. सो लेट्स हैव ए लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, सो व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट, व्हाट्स देयर टू लाफ अबाउट. आप अकेले क्या कर लोगे, व्हाट वुड यू डू अलोन, व्हाट वुड यू डू अलोन. अब मैं क्या कहूँ, व्हाट डू आई से नेक्स्ट, व्हाट डू आई से नेक्स्ट. इससे क्या फर्क पड़ता है, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस, व्हाट डज इट मेक डिफरेंस. मुझे वो कहाँ मिलेगा, वेयर कैन आई फाइंड हिम, वेयर कैन आई फाइंड हिम. अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ मिलेगा, कई बार क्लास में बैठे होते हैं तो टीचर बोलता है कि जाओ अटेंडेंस लेकर ले, अटेंडेंस रजिस्टर लेकर आओ. बट आपको पता ही नहीं होता है कि अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ है, तो आप पूछते हैं ना कि अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ मिलेगा, सो वेयर कैन आई फाइंड अटेंडेंस रजिस्टर. आप कहाँ से आते हो, वेयर डू यू कम फ्रॉम, वेयर डू यू कम फ्रॉम. बचकर कहाँ जाओगे, वेयर वुड यू गो टू एस्केप, वेयर वुड यू गो टू एस्केप. नदी में कौन नहा रहा है, हु इज़ बाथिंग इन द रिवर, हु इज़ बाथिंग इन द रिवर. टॉपर कौन था, हु वॉज द टॉपर, हु वॉज द टॉपर. शोर कौन कर रहा है, हु इज़ मेकिंग नॉइज, हु इज़ मेकिंग नॉइज. आपका नाम किसने रखा, हु नेम्ड यू, हु नेम्ड यू. यह आपको किसने बताया, हु हैज़ टोल्ड यू दिस, हु हैज़ टोल्ड यू दिस. और इसको आप ऐसे भी कह सकते हो, हु टोल्ड यू दिस, शॉर्ट में बोलना चाहते हो तो आप इसे कह सकते हो हु टोल्ड यू दिस, ठीक है. कई बार जैसे कोई बंदा आकर के कहता है कि तुम्हारी पेन या तुम्हारा नोटबुक, तुम्हारी नोटबुक उसने चुरा ली है, वो कहता है तुम्हें किसने बताया कि उसने चुराई है या तुम्हें कैसे पता, ठीक है. जब ये कहना चाहो कि तुम्हें किसने बताया तो हु टोल्ड यू दिस, और तुम्हें कैसे पता, हाउ यू कम टू नो, हाउ यू कम टू नो कह सकते हो. आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है,
हु टीचेज यू इंग्लिश, हु टीचेज यू इंग्लिश, यह किसका पेन है, हुज पेन इज दिस, हुज पेन इज दिस। चलिए कुछ और देखते हैं इसी में, आप किसके साथ खेल रहे थे, होम वर यू प्लेइंग विद, होम वर यू प्लेइंग विद। आप किससे मिलना चाहते हो, होम डू यू वना मीट, होम डू यू वना मीट। मीट की स्पेलिंग करेक्शन है यहाँ पे, एम डबल ई टी आएगा, एम ई ए टी, मीट मीन्स तो ये होता मांस, तो यहाँ पे स्पेलिंग करेक्शन कर लेना। आप किस, आपको किसी ने बताया, होम डिड यू टेल, या फिर हु टोल्ड यू, हु टोल्ड यू इज द बेस्ट सेंटेंस हियर, हु टोल्ड यू, आपको किसने बताया। आप सबसे ज़्यादा किसको पसंद करते हो, होम डू यू लाइक मोस्ट, होम डू यू लाइक मोस्ट। मैथ्स की सबसे अच्छी बुक कौन सी है, विच इज़ द बेस्ट बुक ऑन द मैथमेटिक्स, विच इज़ द बेस्ट बुक ऑन द मैथमेटिक्स। आपका बैग कौन सा है, विच इज़ योर बैग, विच इज़ योर बैग। आप कौन सी बाइक को प्राथमिकता देते हो, ठीक है, विच बाइक डू यू प्रेफर, विच बाइक डू यू प्रेफर। आप कौन सी कार खरीदोगे, विच कार विल यू परचेज, विच कार विल यू परचेज। आप कब आए, वैन डिड यू कम, वैन डिड यू कम। आपकी परीक्षाएं कब शुरू होंगी, वैन विल योर एग्जामिनेशन स्टार्ट, वैन विल योर एग्जामिनेशन स्टार्ट। और आपकी फीस का भुगतान कब करोगे, वैन विल यू पे योर फी, वैन विल यू पे योर फी। आप कब सुधरोगे, वैन विल यू गेट रिफॉर्म्ड, वैन विल यू गेट रिफॉर्म्ड। जब नोटी बच्चे होते हैं बहुत शरारत करते हैं, तो उन्हें कहते हैं तुम कब सुधरोगे, इतने बड़े हो गए हो, सो वैन विल यू गेट रिफॉर्म्ड। मैंने कब कहा, वैन डिड आई से, वैन डिड आई से। आप यहाँ क्यों घूम रहे हो, घूमने के देखो दो तीन प्रकार होते हैं, एक तो घूमना जैसे वॉक होता है जनरली, जैसे मॉर्निंग वॉक, आप किसी इंटेंशन से घूमते हो, सेहत के लिए घूमते हो, तो वो होता है वॉक, ठीक है। एक होता है रोम, रोम मीन्स होता है घूमना ऐसे ही। एक होता है वंडर, वंडर का मीन्स तो होता है आवारा घूमना, ठीक है। और रोम का मीन्स होता है जैसे कहीं किसी पर्टिकुलर पर्पज से कहीं जाते हैं, तो वो होता है रोम, ठीक है। और वंडरिंग का मीन्स तो होता है कि विदाउट इंटेंशन आप घूम रहे हो, बिना किसी पर्पज के, ऐसे फ्री हो तो वैसे घूम रहे हो, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यहाँ क्यों घूम रहे हो, व्हाई आर यू वांडरिंग हेयर। आपको टीचर ने सजा क्यों दी, व्हाई डिड द टीचर पनिश यू। आपने होमवर्क क्यों नहीं किया, व्हाई डिड यू नॉट डू द होमवर्क, व्हाई डिड यू नॉट डू योर होमवर्क। आप मेरी बात क्यों नहीं सुनते हो, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी, व्हाई डोंट यू लिसन टू मी। आप मेरी बात क्यों नहीं मानते हो, व्हाई डोंट यू फॉलो मी, व्हाई डोंट यू फॉलो मी। आप पढ़ाई क्यों नहीं करते हो, व्हाई डोंट यू स्टडी, व्हाई डोंट यू स्टडी। लेट्स हैव अ लुक एट द नेक्स्ट सेंटेंस। आप स्कूल क्यों नहीं आते हो, व्हाई डोंट यू कम टू स्कूल, व्हाई डोंट यू कम टू स्कूल। यह मेरे साथ ही क्यों होता है, व्हाई डज इट हैपन, व्हाई डज इट ओनली हैपन टू मी, व्हाई डज इट ओनली हैपन टू मी। जोर जोर से क्यों चिल्ला रहे हो, वाई आर यू स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस, वाई आर यू स्क्रीमिंग एट द टॉप ऑफ योर वॉइस। आप इतने परेशान क्यों हो, वाई आर यू सो फ्रस्ट्रेटेड। आपने इतना सड़ा सा मुंह क्यों बना रखा है, जब कोई बंदा किसी से नाराज होता है, गुस्से में होता है, तो वो उसका एक सड़ा सा मुंह होता है, तो उसे बोलते हैं वाई आर यू गिविंग सच अ सलन लुक, वाई आर यू गिविंग सच अ सलन लुक। आप कल स्कूल क्यों नहीं आए, Why did not you come to school yesterday? Why did not you come to school yesterday? मैं आपको क्यों बताऊं? Why do I tell you? Why do I tell you? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? Why are you telling lie? Why are you telling lie? आपके पास कितनी गाड़ियां हैं? How many vehicles do you have? How many vehicles do you have? आपने इसके लिए कितने रुपए दिए? How much did you pay for this? How much did you pay for this? यह कितने का है? How much for this? How much for this? बोतल में कितना दूध बचा है? How much milk is left in the bottle? How much milk is left in the bottle? आप कितना कमाते हो? How much do you earn? How much do you earn? मीटिंग कितनी देर चलेगी? How long the meeting will last? How long the meeting will last? वह यहाँ कितनी देर रुका? How long did he stay here? How long did he stay here? आप यहाँ कितनी देर रुकोगे?
How long will you stay here? How long will you stay here? मीटिंग कितनी देर चली? How long did the meeting last? उसने कितनी देर भाषण दिया? How long did he deliver the speech? और कई बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं कि how long did he give the speech? Give नहीं होता, speech को deliver किया जाता है. आप कितनी देर से मेरा इंतजार कर रहे हैं? How long have you been waiting for me? कई बच्चे इसके अंदर मिस्टेक करते हैं कि हाउ लॉन्ग आर यू वेटिंग फॉर मी बोलते हैं. आर यू वेटिंग नहीं, ये आगे जाकर के आप जब टेंस सीखेंगे तब आपको पता चलेगा कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है. ठीक है, सो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग फॉर मी, दिस इज द राइट सेंटेंस फॉर यू. सो ये थे आज के लिए कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं और आपकी सेंटेंसेस जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी और इन सेंटेंसेस को आप याद कर लोगे तो आपकी लाइफ में आपकी जो इंग्लिश है वो एक समस्या नहीं बनेगी. इससे ऑलमोस्ट क्वेश्चंस आप कर पाओगे, जब किसी अननोन बंदे से मिलोगे तो इनमें से क्वेश्चंस याद करके इन क्वेश्चंस को आप उन पे पुट कर पाओगे और इंग्लिश आपको इजी लगने लगेगी. तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में टुमारो, कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. तब तक आप देखते रहिए दारुरल फाइट और बी हैप्पी, स्टे एट होम. थैंक यू.